बबुला जाओत की कथा। बबुला जाओत के दिन श्री कृष्ण के साथ साथ गणेश जी की पूजा से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। ये तिथि गणेश जी के पूजन के साथ साथ श्री कृष्ण और गायों के पूजन के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बबुला चौथ के नाम से जाना जाता है। यह त्योहार बच्चों के सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन गायों की पूजा करती हैं। इसके अलावा मिट्टी से शिव पार्वती कार्तिकेय और गणेश की मूर्तियां बनाकर पूजा की जाती है। स्वयं श्री कृष्ण ने इस दिन के महत्व पर जोर दिया था। ऐसा माना जाता है कि इस दिन के प्रभाव से संतान को जीवन में सारी खुशियाँ मिलती है। बबुला चौथ व्रत कथा। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर बबुला चतुर्थी व्रत रखा जाता है और वर्ष 2024 में यह व्रत 22 अगस्त दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। बबुला चतुर्थी व्रत भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। इस व्रत से संबंधित एक बड़ी ही रोचक कथा प्रचलित है। इसके अनुसार जब भगवान विष्णु का कृष्ण रूप में अवतार हुआ तब इनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने भी गोप गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया। कामधेनु नाम की गाय के मन में ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा का विचार आया और अपने अंश से बबुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान श्री कृष्ण का बबुला गाय से बड़ा स्नेह था। एक बार श्री कृष्ण के मन में बबुला की परीक्षा लेने का विचार आया। जब बबुला वन में चल रही थी तब भगवान सिंह रूप में प्रकट हो गए। मौत बनकर सामने खड़े सिंह को देखकर बबुला भयभीत हो गए, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे बलदार, मेरा बछड़ा भूखा है, बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी। सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूं, तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बबुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। बबुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह बने श्री कृष्ण ने बबुला को जाने दिया। बबुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस वन में आ गए। बबुला की सत्य निष्ठा देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में आकर कहा कि हे बबुला, तुम परीक्षा में सफल हुए। अब भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख मिलेगा। इस दिन श्री गणेश जी की चतुर्थी तिथि होने से संकष्टी चतुर्थी और बबुला चतुर्थी व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाएगा। एक बुढ़िया माई थी, उसके ग्वालियों बचलियों नाम को बेटे थे। बुढ़िया माई बेटा के लिए 12 महीनों की 12 चौथ करती। बेटा जंगल से लकड़ी लाता, दोनों माँ बेटा उसको बेच कर गुजारा करते। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ियों में से 2 लकड़ी अलग रख लेती और चौथ के दिन बेटा से छुप कर बेच कर सामान लेकर आती। फिर 5 चूरमा के पिंड बनाती, एक बेटा को खिलाती, एक अपने को खाती, एक चौथ माता को चढ़ाती व 2 बाट देती। एक दिन चौथ बेटा अपने पड़ोसन के घर गया, उसने चूरमा के लड्डू बना रखे थे तो उससे पूछा कि आज क्या है, तो वे बोले चूरमा बनाया है। पड़ोसन बोली कि मैंने तो आज ही बनाया है, तेरी माँ तो हर रोज चौथ के दिन बनाए, तुमको आज दिया था क्या? बेटा बोला दिया था। पड़ोसन बोली कि तुम
लकड़ियां लेकर आते हो जिसमें से तेरी माँ छुपा कर बेच कर चूरमा बनावे है। बेटा माँ के पास गया, बोला कि मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ियां लेकर आता हूँ, तुम चूरमा करके खाती हो, तुम मुझको छोड़ दो या चौथ माता को। तो बुढ़िया बोली, बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत करती हूँ, सो तुमको भले ही छोड़ो लेकिन चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। तब बेटे ने घर छोड़ने का फैसला किया तो माँ बोली कि तुम जा रहे हो लेकिन मेरा हाथ का ये आखा लेकर जा, तेरे ऊपर जो भी संकट आएगा चौथ माता के नाम पर इन्हें पुआर देना, संकट दूर हो जाएगा। बेटा ने सोचा कि तो झूठी बात है लेकिन बात रखने के लिए ले लेता हूँ। घर से चला, थोड़ी दूर गया और देखता है कि खून की नदी बह रही है, इधर से भी रास्ता नहीं है। तब उसने माँ के दिए आखा पुआर के बोला कि ये चौथ माता, अगर ये नदी सूख कर रास्ता हो जाएगा तो तुम सच्ची हो। इतने में ही नदी सूख कर रास्ता हो जाता, थोड़ा आगे चलने पर तो रात होने लगी और सुनसान जंगल आ गया। तब आखा पुआर कर बोला कि ये चौथ माता, मानो रास्ता मिल जाए नहीं तो ये जानवर मुझे खा जाएंगे। इतने में ही रास्ता मिल गया, आगे एक राजा की नगरी में गया। राजा हर महीने एक नदी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया के घर गया तो देखा कि बुढ़िया माई रोटी बनाते हुए रो रही थी। तब उसने पूछा कि माई तुम रो क्यों रही हो? बुढ़िया बोली कि मेरे एक ही बेटा है और आज वो राजा की बलि चढ़ जाएगा, मैं ये रोटी उसके लिए बना रही हूँ। वो बोला कि माई ये रोटी मुझे खिला दो, मैं तेरे बेटे के बदले चला जाऊंगा। माई बोली रोटी खिला दूंगी लेकिन तुझे कैसे भेज दूं? उसने उसे रोटी खिला दी। रात में सोते समय बोला कि राजा का बुलावा आया तो मेरे को जगा देना। आधी रात को बुलावा आया, बुढ़िया माई सोचने लगी कि पराए भूत ने कैसे बलि चढ़ा दूं, पर इतने में ही वह जग गया और जाने लगा। और बुढ़िया माई से बोला कि मेरी पोटली और लाठी रखी है। बुढ़िया माई सोची कि आज तक ही कोई वापस नहीं आया, ये कैसे आएगा। राजा का आदमी उसे साथ लेकर चला गया। वहाँ पर उसे कच्चे घड़े पकने वाले कुंड वावा में चुन दिया। जब वो चुना जा रहा था इतने में आवा पक कर तैयार हो गया। दो तीन दिन बाद आवा के पास बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने खेल खेल में आवा पक करी मारी तो उसमें से आवाज आई। बच्चों ने राजा के आदमियों के पास जाकर कहा कि आवा पक गया। राजा के आदमियों ने सोचा कि 6 महीने में पकने वाली आवा इतनी जल्दी कैसे पक गया। उन्होंने ये बात को बताई। राजा ने जाकर देखा तो सारे बर्तन सोना चांदी के कलश हो गए। वे बर्तन उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे उतारना, अंदर मानस है। राजा ने सोचा कि इसमें से पहले तो कभी कोई ऐसी आवाज नहीं आई। राजा ने पूछा कि कौन हो तुम? तो उसने अंदर से ये कहा कि मैं तो वो ही हूँ जिसे आपने 3 दिन पहले इसमें चुनकर बलि ली थी। उन्होंने खोल कर देखा तो अंदर वही आदमी है जिसे 3 दिन पहले उन्होंने इस आवा में चुनकर बलि चढ़ाया था। उन्होंने सारी बात बताई। उस महल में जाया गया। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और बच कैसे गए? तो उसने कहा कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती थी, उसी की वजह से बच गया। तब राजा ने कहा कि ये झूठ है, इसकी परीक्षा लेनी होगी। राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर स्वयं चढ़ गया और दूसरे पर उसको चढ़ा दिया। उसके हाथों और पैरों में जंजीर डाल दी गई। राजा ने कहा कि अब जंगल की तरफ चलते हैं, अगर ये जंजीर खुल कर मेरे हाथ पैरों में आ जाए ये तो तुम्हारी माँ की चौथ माता सच्ची है।
थोड़ी दूर चलने पर ऐसा ही हो गया। राजा के हाथ पैरों में जंजीर जकड़ गए। फिर उस लड़के ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस राजमहल पहुंचाया और जाने लगा। तब राजा ने उसे रोकने के आदेश दिए। फिर राजा ने उसे अपनी बेटी के साथ विवाह करने के लिए कहा तो उसने शहर स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे वही महल में ही रहने के लिए अलग से सारे साधन उपलब्ध करा दिए। वह राजकाज में सहयोग करने लगा। कुछ महीनों बाद उसे घर की याद आई। एक दिन मौसम बहुत ही खराब हो रखा था। चारों ओर बिजलियां कड़क रही थी। उसने अपनी माँ की याद आई तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज तो बिजली मेरे गांव की तरफ चमक रही है। तो उसकी पत्नी यानी राजा की बेटी ने कहा कि आपके गांव भी क्या है। तो उसने बताया कि उसे अपनी माँ के बारे में। फिर कहा कि गाँव चलेंगे। दूसरे दिन सुबह वे गांव के लिए रवाना हो गए।